भारतीय कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ केप टाउन में मंगलवार को देखा। तीनों को दोपहर के भोजन के दौरान रेस्तरां में देखा गया। 5 जनवरी से शुरू होने वाले 3 टेस्ट 6 एक दिवसीय और 3 T20 के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। पहला टेस्ट केप टाउन में होगा। भारतीय कप्तान ने बॉलीवुड स्टार अनुष्का से शादी करने के लिए एक ब्रेक लेने के बाद श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल और 20 इंटरनेशनल सीरीज को गंवा दिया था। कोहली 6 दिसंबर को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद से क्रिकेट से दूर हो गए हैं। उन्होंने 11 दिसंबर को इटली में एक निजी समारोह में अनुष्का से विवाह किया और फिर 21 दिसंबर को 2 ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किए दिल्ली और 26 मुंबई में क्रमशः। भारत के केप टाउन, सेंचुरियन और जोहानसबर्ग में 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो श्रृंखला में 6 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 T20 इंटरनेशनल होंगे, जिन्हें कोहली के कप्तान और सामान्य रूप से टीम के लिए दोनों के लिए लिटमस टेस्ट कहा जाता है। भारत ने पिछले 25 सालों से रेनबो नेशन में एक भी टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है, लेकिन कप्तान कोहली ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के दौरान उनके पास किसी को भी साबित करने के लिए कुछ नहीं है। वर्षों से भारतीय टीमों ने दक्षिण अफ्रीका के पिचों की पेशकश के दौरान उछाल के साथ संघर्ष किया है, जिसने वर्षों में केवल 2 टेस्ट मैच जीते थे। सबसे अच्छा परिणाम 2010-11 की श्रृंखला के दौरान आया था, जिसने भारत 1-1 पर पहुंचा था। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे घरों के खिलाफ कुछ मजबूत प्रदर्शन के पीछे आ रहा है। ठोस बल्लेबाज और अच्छा तेज गेंदबाजों के महान मिश्रण के साथ इस दौरे को भारत को मेजबानों पर 1 रन